पार्ट टू की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीता कहती है, कल क्यों, मैं तो तुमसे आज ही मिलूंगी। जिसे सुनने के बाद तो हमारे मिस्टर मजनू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से बात कर रही थी एंड देन प्रिंस से मिलने जाती है, जहां प्रिंस उसे देखकर काफ़ी हैप्पी होता है एंड कहता है कि तुम्हारा आने के लिए थैंक यू। वो दोनों जब साथ में डांस कर रहे होते हैं तो प्रिंस अचानक से मीता से कहता है कि आई लव यू, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा और किसी से प्यार कर पाऊँगा। जिसे सुनकर मीता कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मीता ने यहाँ आने से पहले अपने फ्रेंड से कहा था कि एक ना एक दिन प्रिंस को मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए आज मैं उसे सच बताकर हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दूंगी। बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी उसे सामने टॉड दिख जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है एंड प्रिंस से कहती है कि आई लव यू टू एंड देन उसे किस कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टॉड उसे प्रिंस के साथ देख ले। टॉड के जाते ही मीता वहां से बाहर आ जाती है एंड उसके पीछे पीछे प्रिंस भी। प्रिंस कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो मीता उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए कभी सिंसियर नहीं थी। तो क्या हम दोनों यही सब कुछ खत्म कर सकते हैं? जिसे सुनकर प्रिंस कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्योंकि अभी अभी तो तुमने मुझे आई लव यू टू कहा था। मीता कहती है, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट तुम तो उससे भी ज्यादा स्टूपिड निकले जितना मैंने सोचा था। जिसे सुनकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है तो वो मीता को पकड़ कर कहता है कि तुम ये कैसा मजाक कर रही हो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मीता कहती है, बट मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम मुझे पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल कर दूं ताकि तुम मेरे लिए तड़पने लगो, बट जब मुझे पता चला कि तुम तो मुझसे प्यार करने लगे हो तो मेरा सारा मजाक किरकिरा हो गया। सो प्लीज आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे वैसी चीजें पसंद नहीं जो चैलेंजिंग ना हो। एंड उसे बड़े प्यार से बाय बोलकर वहां से चली जाती है। और ये सब सुनने के बाद तो जैसे प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यहाँ बेचारा प्रिंस वॉज लाइक तड़प तड़प के दिल से ये आह निकलती रही कि ऐसा क्या गुनाह किया, गाइस, अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं एक और सुनाती हूँ जो कि हमारे प्रिंस के इस सिचुएशन के लिए बेस्ट रहेगा। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे कोई रहे न जब अपना। इसके आगे का मुझे नहीं आता, अगर आपको आता होगा ना तो आप खुद गा लेना। पीछे से टॉट आकर प्रिंस से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारी कंपनी का सीक्रेट जानने आए हो? बट प्रिंस कहता है कि मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, और वैसे भी दूसरों का सीक्रेट चुरा कर जीतने की आदत तुम्हारी है, हमारी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीता अपने दोनों बच्चों को लेकर रात में ही होटल छोड़कर चली जाती है। प्रिंस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे प्लॉय का रूम नंबर पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हमारे यहाँ इस नाम का कोई भी गेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर प्रिंस को काफी गुस्सा आता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम पैम के मेल एक्टर कृत को देखते हैं, जिससे कुछ गुंडे पैसे लेने आते हैं, क्योंकि उसे जुआ खेलने की लत लग चुकी है, जिस वजह से उसके ऊपर पैसों का काफी सारा कर्जा हो गया है। पैम भी इन सभी बातों को सुन लेती है एंड कृत के पास जाकर कहती है कि इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मगर मेरी एक कंडीशन है। कृत कहता है, कैसी कंडीशन? जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब कंडीशन क्या थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ऑफिस में टॉट मीता से कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मीता कहती है, मेरी हेल्प, मगर किस मामले में? टॉट कहता है, प्रिंस के मामले में, क्योंकि कल रात मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था। जिसे सुनकर मीता शॉक्ड हो जाती है।
एंड देन कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। टॉड कहता है कुछ भी नहीं, बस मैं हमेशा हर मामले में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। टॉड के जाने के बाद मीता काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिन के बारे में किसी को भी पता चले। वहीं दूसरी तरफ मीता के जाने के बाद से प्रिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। प्रिन कहता है प्लीज़ प्लॉय, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वेल, उसका बेस्ट फ्रेंड गन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देख भाई, तू एक लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, सो उसके बारे में भूल जा। प्रिन कहता है मगर मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव यू प्लॉय, मगर तुम मेरे फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो। गन कहता है देख भाई, अभी तू नशे में है और उसने तुझे धोखा देकर तेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। प्रिन कहता है मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। सेम नाइट क्रिट टॉड से 1 बिलियन पैसे मांगता है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट टॉड उसे पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। टॉड कहता है मैं तुम्हें पहले ही काफ़ी पैसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास नहीं है। क्रिट कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ, बट ये आखिरी बार है, और वैसे मेरे पास पैसे कमाने का एक आइडिया है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो। एंड देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन की मॉम प्रिन को कॉल करके कहती हैं कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड कितने गुस्से में हैं। प्रिन कहता है मॉम, मुझे पता चल गया कि एक मिस्टर सोने के बाद भी आप डैड से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हैं एंड क्यों उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मॉम कहती हैं क्या कहा तुमने, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। प्रिन कहता है नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड फ़ोन कट करने के बाद काफ़ी सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेन की मॉम डैड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, पर प्रिन अभी तक ऑफिस नहीं आया था। मॉम कहती हैं मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम प्रिन से इतना प्यार क्यों करते हो, वो तो बस एक एम्प्लॉय है। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक अरे अरे आंटी, वो बस एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के जिगर का टुकड़ा है, आपका सौतेला बेटा। मीता और टॉड जब एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें नीचे से प्रिन की आवाज़ आती है, जो कि फिर से प्लॉय को ढूंढते हुए मीता की कंपनी पहुंच गया था, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वेल, ये सब देखकर मीता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके डैड यहाँ प्रिन को देख लें। टॉड उसके पास जाकर कहता है कि तुम हमारा सीक्रेट ढूंढते ढूंढते हमारी कंपनी तक पहुंच गए। प्रिन कहता है ओ हेलो, मैं यहाँ तुम जैसे गधे से बात नहीं करने आया, प्लीज़ प्लॉय को बुलाओ, मुझे उससे काम है। टॉड कहता है अभी तुम नशे में हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। जिसे सुनकर प्रिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। एंड प्रिन के जाने के बाद फाइनली मीता के सांस में सांस आती है। वेल, सांस में सांस से एक गाना याद आया, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, इसके आगे नहीं आता। सेम नाइट हम टॉड को देखते हैं, जो कि चुपके से मीता की प्रोजेक्ट्स की फोटोज खींच लेता है, एंड देन किसी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है। वही मीता अपनी बेस्ट फ्रेंड ना के साथ जिस पब में एंजॉय करने के लिए आई होती है, उसी पब में प्रिन भी अपने बेस्ट फ्रेंड गन के साथ आया था। गुन कहता है उस लड़की ने सिर्फ तुझे धोखा दिया है, तो तू उसे भूल क्यों नहीं जाता। प्रिन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब मैं उसके साथ होता हूँ बहुत खुश होता हूँ, उसके और भी करीब जाना चाहता हूँ एंड उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। भले ही उसने मुझे धोखा दिया है, बट फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ,
बहुत 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 ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना प्यार किसी और से कर पाऊंगा। प्रिन जब वॉशरूम जा रहा था तभी उसे वहाँ मीता दिखती है। प्रिन कहता है, प्लॉय, जिसे देखकर मीता वॉज लाइक ओ गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है। बट इससे पहले कि वो मीता के पास पहुँच पाता, उसकी बेस्ट फ्रेंड नाम मीता को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर प्रिन मीता को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे नहीं मिलती। ना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, I mean, तुम दोनों एक दूसरे से हर जगह मिल रहे हो, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। मीता कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं उससे फिर मिलूंगी। ना कहती है, आखिर तुम कब तक प्रिन से ऐसे ही भागते रहोगी, सो भागने से अच्छा है कि तुम सच्चाई को फेस करो। वहीं दूसरी तरफ हम पैम, छेन, क्रित एंड टॉड को साथ में देखते हैं। वेल, इन चारों को साथ में देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि आखिर ये चारों करना क्या चाहते हैं। नहीं पता? सच में नहीं पता चला? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वेल, यहाँ टॉड मीता के प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पैम के बॉयफ्रेंड छेन को देगा, और इसके बदले में छेन उन्हें 10 लाख एक मिलियन पैसे देगा, और इस तरह फिर से एक बार चैन की वजह से श्रीमंता ग्रुप जीत जाएगी एंड एम्परर ग्रुप हार जाएगी। वेल, वो चारों जब वापस जा रहे होते हैं तो दूर से प्रिन भी उन्हें देख लेता है एंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चारों साथ में यहाँ कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता को पता चलता है कि वो लोग टेंडर हार चुके हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एंड उसका सीधा शक सबसे पहले टॉड पर जाता है। मीता कहती है, नेक्स्ट टाइम से मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। वहीं दूसरी तरफ श्रीमंता कंपनी के सभी लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं क्योंकि वो लोग टेंडर जीत चुके थे, स्पेशली हमारा छेन, एंड वो तो प्रिन को टीस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वेल, यहाँ छेन वॉज लाइक, देखा बेटा मेरा कमाल, मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीता एंड उसकी फैमिली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्योंकि मीता के डैड ने सभी के सामने अनाउंस कर दिया था कि अब उनके बाद उनकी बेटी ही उनकी कंपनी को आगे बढ़ाएगी। वेल, यहाँ मीता टॉड एंड छेन को एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हुए देखती है तो उसे टॉड पर फिर से शक होता है। वहीं प्रिन के डैड प्रिन को मीता की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि आज से ये लड़की हमारे दुश्मन की कंपनी को आगे बढ़ाने वाली है क्योंकि ये उसकी बेटी है। एंड गाइस, गेस व्हाट, वेल, जैसे ही प्रिन फोटो में मीता को देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो ये मीता नहीं बल्कि प्लॉय है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सभी बातों को याद करते हुए काफ़ी गुस्से में प्लॉय मीता से मिलने जाता है। प्रिन गार्ड से कहता है कि वेल, आज मैं यहाँ प्लॉय से नहीं बल्कि मीता से मिलने आया हूँ। तभी वहाँ मीता आकर कहती है कि लो मैं आ गई, तो बोलो क्या काम था तुम्हें मुझसे। वेल, प्रिंस स्लोली स्लोली मीता के क्लोज जाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हमारे बारे में जो कुछ भी हुआ है मैं यहाँ सबको बता दूँ तो मैं बता सकता हूँ। जिसे सुनकर मीता थोड़ा डर जाती है एंड उसे वहाँ से हटाकर साइड लाती है। प्रिन कहता है, चलो ये अच्छा है कि तुम शर्माना अभी भी जानती हो, तभी तो तुमने हमारे बारे में वहाँ पे किसी को बताने नहीं दिया। मीता कहती है, वो तो इसलिए क्योंकि तुम जो बात उन लोगों को बताने जा रहे थे वो उनके किसी काम की नहीं थी। प्रिन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड मीता वॉज लाइक वॉट, मैंने क्या किया। अच्छा तो तुम उस रात की बात कर रहे हो, वेल, वो तो मेरी दुश्मनों से जीतने की एक स्ट्रेटजी थी, दैट्स ऑल। प्रिन कहता है, अच्छा तो क्या वो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी थी जब तुम फर्स्ट नाइट मेरे साथ सोई थी। जिसे सुनकर मीता उसे एक जोर का चाटा मारती है एंड देन कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो बस मेरे लिए एक मिस्टेक थी। प्रिन कहता है, अब तक तो तुमने इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी सारे बंदों के साथ यूज़ कर करके हैट्रिक मार दी होगी, और मैं भी तुम्हारा पहला बंदा नहीं हूँ जिसके साथ तुम सोई हो, राइट। जिसे सुनने के बाद मीता उसे फिर से मारने की कोशिश करती है बट प्रिन उसे रोक लेता है
एंड मीता को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। ओ सॉरी, कोशिश नहीं बल्कि वो उसे जबरदस्ती किस ही कर देता है। मीता उसे खुद से दूर करती है एंड फिर से एक चाटा मारती है एंड देन कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस रात को कितने दिन हो गए, बट अभी भी तुम्हारे लिए औरतें सिर्फ एक फन है, बट इस बार तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। प्रिन कहता है किसने किसे हर्ट किया है ये तो तुम्हें पता ही होगा, बट मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे ये प्रूव कर दिया कि अच्छी लड़कियां तुम्हें बेड पर नहीं मिलती और किसी के साथ सोती तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम में और उन लड़कियों में कोई फर्क नहीं है जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम सभी बिस्तर पे ही मिलोगी। ये सुनकर मीता उसे फिर से मारने वाली थी, बट प्रिन उसे ऐसा नहीं करने देता। प्रिन कहता है इस बार मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ नहीं बनूंगा ताकि तुम मुझे फिर से धोखा ना दे पाओ, और आज के बाद मैं तुम जैसी घटी औरत को ना ही याद करूंगा और ना ही तुमसे मिलूंगा। एंड देन वहां से चला जाता है और बेचारी मीता वहीं खड़ी रोती रह जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।